आपको बता दें, एक तरफ बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जनपद के हर छोटे बड़े अधिकारियों को बकाया बिजली बिल की वसूली और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं जब इस निर्देश का पालन करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी क्षेत्र में जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी और मारपीट कर दिया जाता है और शिकायत करने के बाद पीड़ित अधिकारी की न तो पुलिस मदद करती है और न ही विभाग के सक्षम अधिकारी, जिससे पीड़ित बिजली विभाग के अधिकारियों का अपने काम के प्रति मनोबल डाउन होता है। ऐसे ही एक वाक्या बलिया से सामने आ रहा है। जे मनोज कुमार वर्मा, जो अपने क्षेत्र में अवैध कनेक्शन और बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए निकले थे, इनका कहना है कि चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के घर अवैध कनेक्शन दिखा, जिस पर कार्रवाई करते हुए जेई ने अवैध कनेक्शन को काट दिया, जिस पर नाराज अवैध कनेक्शन धारी व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जमकर गाली देने के बाद पीटा गया, जिसमें चोट भी आई है। इस घटना के बाद संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस में मनगढ़ंत व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दिया, लेकिन पुलिस ने औपचारिकता पूर्ण करते हुए केवल FIR की है। पिटाई करने वाले व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी नहीं की गई। वहीं जेई संघ ने अपने संघ के एक साथी के साथ इस घटना को देख एकजुट हो गए और पूरे मामले में पिटाई करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अपने बिजली विभाग AC ऑफिस के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। पीड़ित जेई मनोज वर्मा व जेई संघ अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो अभी तो यह धरना चल रहा है, अब कार्य बहिष्कार का भी काम चलेगा। साथ ही साथ जेई संघ ने अपने कार्य के प्रति सुरक्षा की भी मांग की है। मैं मनोज कुमार वर्मा और अभियंता 33/11 के भी बसवार उप केंद्र तैनात हूँ और प्रबंधक के निर्देशानुसार 10 तारीख को हमने जो है अपना जो है सारी टीम को लेकर के विद्युत बकाया और चोरियों के अभियान के समय जो है मौके पे गया। वहाँ पे जो है चोरी पकड़ी गई। इसके बाद हम आगे अपना लाइन कटवाने लगे। उसी बीच में उसी घर के लोग हम आए और हमको बुला कर ले गए कि चोरी कहाँ है, इस चोरी को बताइए। जैसे हमने दिखाया तुरंत बाहर लाए और मेरे साथ जो है हाथ पकड़ लिए और इधर ला करके मारे पीटे। मारने पीटने वाले में कितने लोग थे? सर 4 से 5 लोग थे। इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी जो बिजली विभाग के एक CN है तुरंत ऐसे आपको अवगत कराया गया, अपने जो है SDO साहब को अवगत कराया गया और जो है अच्छा से घंटा जी को भी अवगत कराया गया। थाने में पुलिस को भी सूचना है आपने की? हम लोग FIR की। इसके बाद क्या हुआ? FIR लाज सर FIR हो गया है, गिरफ्तारी अभी। ये बताइए क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर वही गिरफ्तारी हो जाए। अच्छा अच्छा, जो लोग थे आपको कहाँ कहाँ मारे, कितनी गंभीर चोटें आई? सर जैसे मेरा बाएं वो लोग पकड़ लिए, फिर वहाँ CC कैमरा लगा हुआ था उसे हटा करके लोग जो है 2-3 लोग हमारे ऊपर हावी हो गए और मेरा वीडियो बनाने लगे वो लोग कि मारो मारो इसको, ऐसे करके जो है किसी भी तरह हमने वहाँ से भागा। अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो आपका संगठन क्या करेगा? सर हम लोग आगे की जो भी मेरा संगठन करेगा उसके लिए हम लोग यहाँ मतलब भय भीत होकर के हम लोग काम करना पड़ रहा है, कहीं से कोई सुरक्षा नहीं है जी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार और अभियंता, मैं जनपद बलिया का अध्यक्ष हूँ जी। अभी ये बताइए, आप लोग काफी आक्रोशित हैं, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये सर कि यहाँ पे इतना भयभीत माहौल बन गया है, कोई भी हमारा साथी जा रहा है क्षेत्र में चेकिंग करने के लिए, सुरक्षा के नाम पे एकदम जीरो। ऊपर से प्रबंधन से आ रहा है कि आप सुरक्षा लेके जाइए। सुरक्षा मांगने के लिए हम लोग जब भी प्रशासन के पास जाते हैं तुरंत सुरक्षा नहीं मिलता है। अगर उसमें भी टाल दिया जाता है कि आपको मतलब कि आज हम नहीं दे पाएंगे, हमारे इतने लोग हैं यहाँ कहीं और दूसरे जगह चले गए हैं, तो हम लोग को मजबूरन अपनी नौकरी बचाने के लिए अकेले जाना पड़ता है क्षेत्र में। और नतीजा ये है कि हमारा भाई और अभियंता मनोज वर्मा जी रामपुर में गए चेक करने के लिए, चेक करते हुए एक चोरी पकड़े, चोरी पकड़ने के फिर दूसरा तीसरा घर ऐसे चेक किए, फिर वो लोग बूट बना कर लाए कि चलिए आप हमको दिखाइए कहाँ पे है, इनको मारने के मूड से। अब इनको ले गए अब अंदर, इनका मोबाइल छीन लिया, इनके साथ मारपीट की, इनके कमरे में चोट आई है। फिर उस समय शाम को हम लोग जो अभियुक्त है उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराया है। अब 2 दिन का हम लोग ने अपने SC साहब से
वो लिए थे कि सर देखिए दो दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग तीसरे दिन आज है 13 तारीख है, आज हम लोग बैठेंगे आपके सामने और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा जनपद बलिया में। ये कहना चाह रहा हूँ सर कि प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के साथ अगर ड्यूटी कर रही है उसका थोड़ा सा जनता में भय होना चाहिए कि मैं कोई गलत कदम उठा रहा तो उसके खिलाफ हमारे क्या एक्शन हो सकता है। पर डर 1% नहीं है और हम लोगों का नतीजा यह है कि भाई हम लोगों को नौकरी बचानी है। अभी सस्पेंशन के काम इतने तेज़ चल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि टारगेट दिया गया है ऊपर के अधिकारियों को कि फलाना जगह को सस्पेंड करो। अगर हम किसी के यहाँ गए चेकिंग करने के लिए उधर से ऐसा तो नहीं ना कि मतलब कि मैं गया हमारे पास कुछ बम बारूद है गए तुरंत तार काट पीट को कर दिया। आदमी जाता है पहले प्रेम से बच जाता है और उसमें अगर सामने से उग्र हो जाए उग्र हो जाए तो हम लोग क्या अपने बस बचा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अगर प्रशासन आता तो हम लोग बात कर पाते, चाहे प्रशासन को देख कभी आदमी वो करता है कि चलो ठीक। तो हम लोग के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे आपके अगर... माध्यम से सर मीडिया बंधु सबसे मैं बस यही मांग करना चाह रहा हूँ कि इस जो भी मैटर आया है मामला है इसको आप लोग इतना वो करिए ताकि जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तारी का हो ताकि उसको भी लगे कि मैंने गिल्ट फील मतलब गलती किया उसको गिल्ट फील हो। लड़ाई तो सर अब हम लोग शुरू कर दिए आज से, ऐसी साहब नहीं है अभी अभी हम लोग सोमवार से लगातार जो संख्या बल के साथ यहाँ पे इस कद स्तर तक हम लोग करेंगे कि यहाँ पे कोई बैठ नहीं पाएगा। कार्य बहिष्कार हम लोग का है आज से है, कोई काम नहीं किया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में त्वरित कठोर कार्रवाई करती है या फिर बिजली विभाग के जेई भय और असुरक्षा के माहौल में काम करने को विवश रहेंगे। UP60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।